हेलो फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें इंडियन बचीज एंड लवबर्ड चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन बचीज एंड लवबर्ड्स। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बचीज के चिक्स जब निकलते हैं तो उनको हमें सॉफ्ट फूड कौन सा देना है। पूरे हफ्ते वीकली शेड्यूल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज आप पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं और लिख लें शेड्यूल को जो भी मैं आपको बताऊं, और देखते रहिए वीडियो और इस वीडियो के साथ बने रहिए आप। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन बचीज एंड लवबर्ड्स। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबाएं। बराबर में बेल आइकन है, रेड आइकन है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने का और बराबर में बेल आइकन का, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी वीडियो आप देखते रहें, इससे देखें सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जब चिक्स निकलते हैं, चाहे वो फिंचिस के हों, बजीज के हों, लवबर्ड के हों या कॉकटेल के हों, किसी भी बर्ड्स के हों, और जब वो अंडे में से निकलते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नरम ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो उस ग़िज़ा को, उस डाइट को वो हज़म कर सकें और उन्हें मोशन ना लगें, कोई बीमारी ना लगे और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि उस खाने को वो हज़म कर सकें। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे कि इंसानों में भी हमारे बच्चे जब होते हैं तो हम उनको सबसे पहले रोटी तो नहीं देते उन्हें खाने को, ना कोई हैवी चीज़ ऐसी नहीं देते कि ताकि वो खा सकें, और इसलिए नहीं देते ताकि उनके जो हाजमे का निज़ाम होता है वो नाजुक होता है और नर्वस सिस्टम जो होते हैं सब नाजुक होते हैं, उस चीज़ को वो नहीं झेल सकते, वो बीमार हो जाएंगे और कुछ भी बीमारी उन्हें लग सकती है, उनको कुछ भी सिस्टम उनका ख़राब हो सकता है, नर्वस सिस्टम उन बच्चों का। इसीलिए उनको शुरू में स्टार्टिंग में नरम ग़िज़ा देते हैं, दूध देते हैं, फिर हल्के फुल्का रोटी वो चावल देते हैं और दलिया वगैरह जो भी है वो शुरू करते हैं, सेरेलैक्स वगैरह ये सब चलता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको फिर हैवी चीज़ें अपने दे दी जाती हैं, सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह देना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, ये इन बर्ड्स का भी यही सिस्टम है इनका कि हम इनको नरम ग़िज़ा दें ताकि इनके बच्चे हज़म कर सकें और इन्हें मोशन ना लगें और वो मरे नहीं। ज़्यादातर दोस्तों व्यूअर्स का यही शिकायत होती है कि हमारे चार बच्चे दिए थे तो बच्चे मर गए, और वो क्यों मर गए उन्हें नहीं पता है कैसे मर गए। मरने की भी बच्चों की दो वजह होती हैं, वजह होती हैं ताकि फीमेल जो है फीड नहीं कराती, वो भी वजह होती है कि फीड नहीं करा रही है, दो बच्चों को फीड करा रही है और एक बच्चे को नहीं करा रही, तो वैसे ही बच्चा मर जाता है। और जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे कि छः या सात बच्चे निकल आए और एक के बाद एक निकलता है, तो सबसे लास्ट वाले जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो दब के मर जाता है। ठीक है, और दोस्तों सिर्फ ये भी वजह है कि जो आप लोग सॉफ्ट फूड नहीं देते और सिर्फ सीड मिक्स बाजरा पे रखते हैं तो वो बाजरा हज़म नहीं हो पाता बच्चों को, इसीलिए बच्चे जो है हज़म नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीकली शेड्यूल में आपको बताऊंगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, आप लिख लें इसका वीकली शेड्यूल पूरा कि सॉफ्ट फूड में हमें कौन सा देना है। ठीक है, तो आपको सबसे जब पहले दिन से आपको देना है कि वीकली वीक में सबसे पहला दिन आपको बॉयल राइस देना है। ठीक है, सबसे पहले दिन आपको बॉयल राइस देने हैं, उबले हुए चावल ऐसी है कि आप लोग वीक में पूरे वीक भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप दे दीजिए, आप वीक में पहले दिन आपको चावल देने हैं उबले हुए और दूसरे दिन आपको कॉर्न देना है, भुट्टा। ठीक है, दूसरे दिन आपको भुट्टा देना है, जो भुट्टे आप चल रहे हैं कच्चे वो भुट्टा देना है, और तीसरे दिन आपको देना है ब्रेड भिगो कर देना है, पानी में या दूध में ना दें तो पानी में भिगो कर ब्रेड दे दें। ठीक है, चौथा दिन आपको गेहूं भिगो कर देना है, गेहूं जो होता है वीट, आप उसको रात में भिगो कर रख दें और सुबह में
जब वो नरम हो जाए, जब तक वो नरम ना हो जाए आप उसको भीगा रहने दें। अब नरम हो जाए उसके बाद आप उसको पानी निकाल के अपने बजी उसके आगे रखें, ताकि वो फीमेल उसको फीड कराए और बच्चे हेल्दी रहें। पांचवें दिन आपको स्प्राउट देना है, मूंग की दाल का स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स आपको बनाने हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। और छठे दिन आपको देना है दलिया बॉयल, दलिया देना है आपको उबाल कर, दलिया छठे दिन देना है। और सातवें दिन आपको देना है रोटी, जो होती है बासी रोटी जो हम खाते हैं, रोटी देनी है आपको भिगो कर पानी में। आप वो एक घंटे के लिए रोटी को टुकड़े करके और उसको पानी में भिगो दें और एक घंटे बाद निकालें, ताकि वो एकदम मुलायम हो जाए। और एक घंटा भी नहीं लगेगा आपको रोटी मुलायम होने में, आप आधे 15 मिनट में भी वो मुलायम हो जाती है। अगर ज़्यादा सख्त आप रोटी को रखेंगे भिगो के तो देर लगेगी, लेकिन बासी रोटी जो होगी, जैसे मुलायम जो रोटी होगी आप भिगो के दे दें उसको, तो फौरन वो मुलायम हो जाएगी। आप उनको जिसको दे दें सातवें दिन, ठीक है। ये आपका पूरे वीकली शेड्यूल है और आप लिख लें इसको। और सबसे पहले आप जो दोस्त सीड मिक्स में बाजरा की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, तो चिक्स जब निकलते हैं वजीज के, तो बाजरे की क्वांटिटी कम कर दें, कंगनी की क्वांटिटी बढ़ा दें, 50% रख लें कंगनी, 50% आधी कर लें और 50% जो है आप बाजरा कर लें, ठीक है। बाजरा कम ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। कंगनी जो हल्की चीज़ें होती है उसके अंदर सारे विटामिन होते हैं और कंगनी को वो हज़म कर लेते हैं। बाजरा मोटा है और बाजरा भारी है, बाजरा नहीं हज़म कर पाते बच्चे, तो इसलिए बाजरा की मैं मना करूँगा आपसे दोस्तों, कि बाजरा आप ना दें और कंगनी की आप क्वांटिटी बढ़ा दें। और बच्चे जब तक सेल्फ ना हो जाएं, तो आप बस इन तीन चीज़ों का, ग्रीन फूड का आप ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि पालक और लहसुन और मेथी, आपको ये तीन चीज़ें आपको बजीज को नहीं देनी है बच्चों को, ताकि आप जब केज में रखेंगे तो फीमेल खाएगी मेल दोनों खाएंगे और वो फौरन जाके बच्चों को फीड कराएंगे, ठीक है। फीड कराएंगे आप उसको केज में, आपको नहीं रखना है जब तक बच्चे आपके सेल्फ ना हो जाएं, बजीज के हों या कॉकटेल के, लवबर्ड के, सारे फिंचेस के भी, आप इनको ग्रीन फूड में ये तीनों चीज़ें ना दें, पालक मेथी और लहसुन, ठीक है। जब तक बच्चे मटकी से बाहर ना आ जाएँ और सेल्फ ना हो जाएँ, तब उसके बाद आप पालक देना शुरू कर दें इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों की तासीर गर्म है और ये खिलाते ही बच्चों को मोशन लग जाएंगे, बच्चे बिल्कुल हज़म नहीं कर पाएंगे। आपको बस वीक में जो मैंने आपको शेड्यूल बताया आपको वही रखना है शेड्यूल। और बॉयल्ड राइस ऐसा है कि बॉयल्ड राइस आप पूरे, आप कोई चीज़ अगर नहीं दे पा रहे हैं इन चीज़ों में वीकली में, आप रोटी या गेहूँ वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बॉयल्ड राइस देते रहें, कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉयल्ड राइस देने में, बॉयल्ड राइस सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ब्रीडिंग सीजन शुरू है और कई मेरे ग्रुप में दोस्त हैं जो उनके बजीज ने, बस ने जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके ब्रीड कर लिए और चिक्स भी निकल आए हैं, और जो भी अपने रख रहे हैं ब्रीड, उन्होंने फर्स्ट ब्रीड है या सेकंड ब्रीड है जो लोगों की, तो चिक्स निकल आए, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दूँ इसकी, बता दूँ आप लोगों का। और पिछली वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर बनाई थी कि बच्चे जो हैं अंडे में से बच्चे कब निकलते हैं, तो सेकंड वीडियो ये हो गई आपकी, नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड हो गई कि आप चिक्स को जब निकलते हैं तो हमें कौन सा सॉफ्ट फूड पर रखना है, ताकि बच्चे हेल्दी रहें और ग्रोथ रहे। इन चीज़ों को आप जो भी मैंने बताया ये आप देते रहेंगे, तो इन ग्रोथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और शाइनिंग पर होंगे और कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को हेल्दी रहेंगे और जल्दी से ग्रोथ होगी, बड़े होंगे और बाहर आएंगे बच्चे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी व्यूअर्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कोई वीडियो में, इस वीडियो में कमी हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करें, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप लोगों को वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।